ओहो, पहले बाइट में हमने खुद देखा, मुझे कुछ जोर नहीं लगाना पड़ा। और लाल मिर्च की चटनी तो हम आए हैं बस रोड पे राजपूत बारबेक्यू पॉइंट, और जब से मैं मीडिया में काम करता हूँ उस जमाने से मुझे इनका टिक्का बड़ा अच्छा लगता था। इधर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज हैं, ग्रीन टिक्का अलग है, बारबेक्यू अलग है, और हमारे दो टिक्के यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद बाकी आपको अपडेट देता हूँ। तो जनाब ये हमारे टिक्के आ गए हैं, एक ये लेग पीस है, ये सात भाई ने मंगवाया है हमारे, और पराठा भी आया है हमारे पास, और ये ग्रीन टिक्का भी आया है। और कुछ मंगवाना चाहेंगे सात भाई? अभी तो शुरू करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं भाई। तो ये है मेन्यू, चपाती, टिक्का, दो टिक्के और पराठे के साथ। ये तो आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि है क्या सामने टिक्का। ओहो, पहले ही बाइट में हमने खुद देखा, मुझे कुछ जोर नहीं लगाना पड़ा। और लाल मिर्च की चटनी और प्याज के साथ तो और मजा आएगा। साथ भाई कैसा है? किसान भाई नहीं है, साथ भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं नहीं, कमाल खुशी दिख। तो ये हमारे टिक्के। जाहिद भाई सॉरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक पराठे होते हैं पीले होते हैं अजीब से तेल वाले, और एक होते हैं कड़क वाले। ये पराठे ना तो पीले हैं ना कड़क है, एकदम नरम पराठे। आपको मोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाले पराठे टूट भी नहीं रहे। और हमने एक और प्लेट ऑर्डर कर दिया सीख कबाब का, इतना मजे का। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद उमर शाह, और अगर आप बंस रोड आए तो ये राजपूत बारबेक्यू है, अपोजिट वहीद निहारी और जो वहीद बारबेक्यू है उसके। मेरी नजर में बंस रोड में इससे अच्छे टक्का कहीं नहीं मिलता। अगर आए तो आप उधर का सीख कबाब लाजमी खाइएगा, और यहाँ का ग्रीन टिक्का लाजमी खाइएगा, और लाल मिर्च की चटनी लाजमी भूलिएगा। साइनिंग ऑफ इस्लाम। तो जनाब आप इस वक्त देख रहे हैं बंस रोड का मशहूर बापू बन कबाब, और इसके बिल्कुल साथ में है राजपूत बारबेक्यू।